हेलो बच्चों। अच्छा बच्चों, एजुकेशन जो है हमारी लाइफ का एक इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो हेल्प करता है हमें सही गलत अच्छा बुरा ये सब पहचानने में, कुछ नई चीज़ें सीखने में और सिखाने में, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे खुद का टैलेंट पता करने में, उस टैलेंट को सही दिशा देने में जो है एजुकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम स्कूल जाते हैं तो एक साथ एक ग्रुप में रहकर बहुत सी नई नई बातें सीखते हैं। टीचर्स के गाइडेंस में ग्रुप में खेल कर पढ़ कर एक्टिविटीज़ करके हम कहीं ना कहीं अपने बारे में जान पाते हैं कि हमारी रुचि किस क्षेत्र में है, और अपनी उसी रुचि को आगे सही दिशा देने में, हमारे उसी जो हमारा जो इंटरेस्ट है, हमको क्या चीज़ करना पसंद है, उसी को सही दिशा देने में कहीं ना कहीं पढ़ाई जो है हमारी बहुत हेल्प करती है। जैसे हमारा क्लास 4th EVS का चैप्टर नंबर 5 है, अनीता एंड द हनी बी। इसमें अनीता एक बिहार में रहने वाली लड़की है जिसको पढ़ाई करना बहुत पसंद है, लेकिन उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। फिर भी वो अपने पेरेंट्स को मना कर और हर परिस्थिति में अपनी पढ़ाई को पूरा करके, है ना, कैसे अपनी लाइफ को चेंज करती है, उसकी लाइफ में कितना बढ़िया बढ़िया होता है उसके बाद, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और इसमें हनी बी के बारे में भी हम पढ़ाई करेंगे, क्योंकि हनी बी जो है वो अनीता की जो लाइफ से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़कर हनी बी के बारे में भी कुछ जानकारियाँ इकट्ठी करेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर। उसका पहला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट आंसर। आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और उसके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन चूज़ करके उसका आंसर देना है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एंट्स हैव डैश लेग्स। एंट्स के कितने पैर होते हैं, 4, 5 या 6? एंट्स के 6 लेग्स होते हैं। एक्चुअली जो इंसेक्ट होते हैं, जैसे चींटी, मक्खी, मच्छर, तितली और मौत, ड्रैगन फ्लाई, ये जितने भी तरह के इंसेक्ट होते हैं, मोस्टली पाया गया है कि इनके जो होते हैं 6 पैर होते हैं। ठीक है, तो एंट्स भी एक इंसेक्ट है, वैसे ही बाकी जो इंसेक्ट होते हैं उनके भी कितने पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ ईटेबल्स अट्रैक्ट एंट। किस तरीके का खाना, ईटेबल्स मतलब खाने की चीज़ें, अट्रैक्ट करती हैं मतलब उनको पसंद आती हैं चींटियों को, तो स्वीट, सॉर और बिटर, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, स्वीट। हमने पढ़ा है पहले भी कि जो मीठा होता है, जो स्वीट होता है, वो चींटियों को बहुत पसंद आता है ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज लिव लाइक हनी बी एंड एंट्स। इनमें से कौन है जो कि हनी बी मतलब मधुमक्खियों की तरह और एंट्स की तरह चींटियों की तरह रहते हैं, तो टर्माइट्स और वैस्प। टर्माइट्स मतलब दीमक, वैस्प मतलब बरैया या ततैया, है ना, या फिर बोथ मतलब या फिर दोनों, तो दोनों ही हैं ऐसी, मतलब इसका आंसर होगा बोथ। दोनों ही ऐसे कीट हैं जो कि एक साथ रहते हैं, जैसे कि मधुमक्खियाँ और चींटियाँ रहती हैं, और वो एक साथ मिलकर काम करते हैं और एक कॉलोनी बनाकर रहते हैं। ठीक है, तो टर्माइट और वैस्प दोनों ही इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बीज लेज एग्स इन हाइव। इनमें से कौन सी बी है मतलब कौन सी मधुमक्खी है जो कि अंडे देती है अपने हाइव में। हाइव क्या होता है, जहाँ मधुमक्खियाँ, जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है उसको बोलते हैं हम हाइव। ठीक है, बी हाइव, तो मधुमक्खियों के जो घर होता है, जो उनका छत्ता होता है, उसको हम हाइव बोलते हैं। तो हाइव में कौन सी मधुमक्खी जो है वो अंडे देती है, क्वीन, वर्कर या मेल, तो इसका आंसर है क्वीन। जो क्वीन बी होती है, जैसे कि चींटियों में क्वीन एंट जो होती है वो एग्स देती है, वैसे ही मधुमक्खियों में क्वीन बी जो होती है वो जो है वो अंडे देती है। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश एंट्स गार्ड द नेस्ट। इनमें से कौन सी जो एंट है वो गार्ड को, नेस्ट को गार्ड करती है, तो उसका आंसर है वर्कर। जो वर्कर एंट होती है, जो वर्कर चींटी होती है, वो खाना भी इकट्ठा करती है और कहीं ना कहीं उनका जो नेस्ट होता है, उनका जो घर होता है, उनकी भी रक्षा करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, लीची ट्रीज कम्स टू फ्लावर इन द मंथ ऑफ डैश। कौन से मंथ में जो लीची ट्री, लीची एक फ्रूट होता है जो कि बिहार में बहुत होता है, तो वो लीची ट्री जो होता है उसमें फ्लावर्स कब आते हैं, कौन से मंथ में आते हैं, फेब्रवरी में, मतलब फरवरी तक में उसमें जो है फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो लीची के जो पेड़ होता है, लीची के जो फूल होते हैं, वो मधुमक्खियों को बहुत पसंद है, वो मधुमक्खियों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो जो इस लीची का जो पेड़ होता है उसमें कब फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं, फरवरी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड्स. आपको कुछ ऊपर वर्ड्स दिए गए हैं और नीचे में जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, तो आपको उसमें से चूज करना है कि इसमें कौन सा सही शब्द आएगा, ठीक है ना. तो पहला है, एवरी चाइल्ड हैज़ द डैश टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8. सभी जो बच्चे होते हैं उनका डैश मतलब राइट, यहाँ आएगा राइट मतलब अधिकार है टू फ्री एजुकेशन, मुफ्त में उनको एजुकेशन मिलना बच्चों का अधिकार है. कब तक? अप टू क्लास 8. क्लास 8 तक बच्चों को मुफ्त में जो है शिक्षा मिलनी चाहिए, उनका अधिकार है, ठीक है. सेकंड है, डैश बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर. जो मेल बीज होती हैं ना, कौन सी बीज होती हैं जिनका स्पेशल रोल नहीं होता एज वर्कर? मेल बीज का. तो मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर, ठीक है, वर्कर में मेल बीज नहीं होती हैं. नेक्स्ट है, वर्कर बीज कलेक्ट डैश फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर. जो वर्कर बीज होती हैं वो एक फूल से दूसरे फूल से क्या कलेक्ट करती हैं? नेक्टर. वो एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर नेक्टर कलेक्ट करती हैं. नेक्टर एक जूस होता है जो कि फूलों में होता है, जिसको इकट्ठा करके वो अपना शहद बनाती है, ठीक है. नेक्स्ट है, वर्कर बीज मेक द डैश एंड लुक आफ्टर द डैश बीज. जो वर्कर बीज हैं वो क्या बनाती हैं? हाइव. क्या बनाती हैं वो? हाइव. हाइव मतलब उनका घर, जो उनका छत्ता होता है वो बनाती हैं. एंड लुक आफ्टर द बेबी बीज मतलब छोटे जो बेबी बीज होते हैं, छोटी मधुमक्खियों के जो बच्चे होते हैं उनकी उनको देखती हैं, उनकी देखभाल करती हैं और वो छत्ता बनाती हैं जो वर्कर बीज होती हैं, ठीक है. नेक्स्ट है, डैश ईटेबल्स अट्रैक्ट एंट. तो कौन से ईटेबल्स कौन सा खाना पसंद करती हैं चींटियाँ? स्वीट, है ना. स्वीट ईटेबल्स अट्रैक्ट एंट्स. तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट होता है, आपको समझ में आ गया होगा ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच दीज कॉलम्स. अब आपको इसमें कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है, उसके आंसर से मैच करना है, ठीक है ना. पहला है, हनी बी स्टिंग. हनी बी स्टिंग मतलब जो हनी बी, जो मधुमक्खी जो काटती है ना, मधुमक्खी कई लोगों को आपने देखा होगा मधुमक्खी ने काटा होगा, तो उसका उससे क्या होता है? इट्स पेन अलॉट, है ना. उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत पेन होता है जब मधुमक्खी काटती है, तो उसका जो डंक होता है वो हमारे बॉडी में चला जाता है, जिससे हमें बहुत दर्द होता है, ठीक है ना, और स्वेलिंग भी आ जाती है, सूजन आ जाती है ना. नेक्स्ट है, 12 kg honey. 12 kg honey इज कलेक्टेड फ्रॉम वन बॉक्स, है ना. तो जो अनीता है, इसमें अनीता है एक चैप्टर में एक लड़की, वो हनी बी को पालती है और क्या बनाती है? शहद बनाती है. तो शहद कितना कलेक्ट होता है? 12 kg honey. कितना? 12 kg honey किससे कलेक्ट हुआ? कलेक्टेड फ्रॉम वन बॉक्स. एक बॉक्स से 12 kg honey उसको कलेक्ट हुआ. बज क्या होता है? साउंड ऑफ हनी बी. जो मधुमक्खी होती है उसका साउंड कैसा आता है? बज, ठीक है ना, उसके साउंड को बज बोलते हैं. फेब्ररी क्या होता है? लीची ट्री कम्स टू फ्लावर. जो लीची ट्री होते हैं उसमें फ्लावर्स आना स्टार्ट होते हैं. बताया था मैंने, लीची जो है एक फल है जो कि बिहार में बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें फूल कब आना स्टार्ट होते हैं? फरवरी में उसमें फूल आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है. अक्टूबर टू दिसंबर हनी बीज ले देयर एग्स. जो अक्टूबर टू दिसंबर, जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का समय होता है, उसमें हनी बी मतलब मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो अंडे देती हैं, ठीक है ना. वो उसमें अंडों को, जो उसका छत्ता होता है उसमें अंडे देना स्टार्ट करती है. कब? अक्टूबर टू दिसंबर. ओके, तो हनी बी स्टिंग, पेन अलॉट, 12 kg honey इज कलेक्टेड फ्रॉम वन बॉक्स, बज, साउंड ऑफ हनी बी, फेब्रवरी लीची ट्री कम्स टू फ्लावर, अक्टूबर टू दिसंबर हनी बी ले देयर एग्स. ओके, नेक्स्ट है, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है. इसमें पहला है, इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल. ये सही स्टेटमेंट है कि इट इज़ राइट टू एवरी चाइल्ड. ये हर बच्चे का, एवरी चाइल्ड मतलब हर बच्चे का राइट मतलब अधिकार है टू गो टू स्कूल. स्कूल जाना हर बच्चे का अधिकार है, ये सही है. नेक्स्ट है, एवरी बी हाइव हैज़ वन क्वीन बी दैट ले एग्स. हर बी हाइव मतलब जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें एक क्वीन बी होती है, एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि दैट लेज एग, जो कि अंडे देती है. ये भी बिल्कुल सही है. नेक्स्ट है, वर्कर बीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव.
इसमें बोल रहे हैं कि वर्कर बी जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है उस छत्ते के लिए, ये गलत है। अगर वर्कर बीज नहीं होंगे तो वो छत्ता ही नहीं बनेगा, क्योंकि जो वर्कर बीज होते हैं वो छत्ता भी बनाते हैं, मतलब हाइव बनाते हैं, और खाना इकट्ठा करते हैं छोटे बच्चों के लिए, और उनका प्रोटेक्शन करते हैं, उनको उनकी देख रेख करते हैं, ठीक है ना। तो वर्कर बीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है, सोल्जर एंट्स डू नॉट लुक आफ्टर एंड गार्ड द एंट नेस्ट, ये गलत है। जो वो वर्कर बीज होती है जिसमें एक सोल्जर एंट होती है, वो जो होती है वो लुक आफ्टर एंड गार्ड द एंट्स नेस्ट, जो नेस्ट होता है, जो चींटियों का बिल होता है, उसकी रक्षा करती हैं, उसकी देख रेख करती हैं, कौन? सोल्जर एंट्स, ओके। नेक्स्ट है, क्वीन एंट ले एग्स, जो क्वीन एंट होती है वो अंडे देती है, ये भी सही है, ये भी ट्रू है। जैसे कि क्वीन बी एग देती है, वैसे ही क्वीन एंट भी एग देती है। वर्कर एंट्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग इट टू नेस्ट, जो वर्कर एंट होती हैं वो हमेशा बिजी रहती हैं। आपने देखा होगा जो एंट्स होती हैं जो बाहर अपना खाना खोजती हैं ना, बिजी लुकिंग फॉर फूड, हमेशा वो खाना ढूंढती रहती हैं, और उसको कहाँ तक लेकर जाती है? नेस्ट तक। वो कौन सी एंट्स होती हैं? वर्कर एंट्स होती हैं, ठीक है। वो काम करने वाली एंट होती हैं जो कि खाना ढूंढती हैं और नेस्ट तक लेकर आती हैं, ये भी सही है, ये भी ट्रू है स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज गर्ल स्टार, अब आपको ये बताना है कि जो गर्ल स्टार है वो क्या है ना। तो इसका आंसर है, गर्ल स्टार इज अ प्रोजेक्ट ऑफ यूनिसेफ विच टेल्स द एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेल्स ऑफ ऑर्डिनरी गर्ल्स हु चेंज देयर लाइफ बाय गोइंग टू स्कूल। इसका मतलब है कि जो गर्ल स्टार है वो प्रोजेक्ट है यूनिसेफ का। पहले तो यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों की पढ़ाई को लेकर काम करते हैं, जो ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते हैं उनको हेल्प करते हैं, कहीं ना कहीं स्कूल तक जाने के लिए उनको सारी सुविधाएं वो प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो यूनिसेफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक प्रोजेक्ट चलाया गया है जिसको गर्ल स्टार प्रोजेक्ट कहते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है विच टेल्स द एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेल्स ऑफ ऑर्डिनरी गर्ल्स, जो कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी बताते हैं। टेल्स मतलब स्टोरीज, मतलब उनका एक जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी है वो बताते हैं, किसकी? ऑर्डिनरी गर्ल्स की, एक आम लड़की की जिसकी स्थिति नहीं है, या जो गाँव में रहती है, या जिसने बहुत मेहनत करके कुछ एक्स्ट्रा काम किया हो, कुछ बहुत अच्छा काम किया हो, उसकी स्टोरी बताते हैं। हु चेंज देयर लाइफ बाय गोइंग टू स्कूल, जिसने स्कूल जाकर अपनी लाइफ चेंज की हो, मतलब जिसके घर के आसपास जो है ऐसा माहौल नहीं है कि वो स्कूल जा सकें, पर वो फिर भी कैसे भी करके स्कूल जाती हैं, और स्कूल जाने के बाद कैसे उन्होंने अपनी लाइफ चेंज की है। तो गर्ल स्टार जो है वो ऐसे लड़कियों के ऊपर स्टोरीज बनाते हैं, ऐसी लड़कियों के ऊपर कहानी बनाते हैं जिससे वो दूसरे लोगों को प्रोत्साहित कर सकें, ठीक है ना। नेक्स्ट है, वेयर डज अनीता लिव, अनीता कहाँ रहती थी? अनीता लिव्स इन बोचाना विलेज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है। कहाँ रहती थी? बिहार में रहती थी। कहाँ? बोचाना विलेज का नाम क्या था? बोचाना। और कहाँ था ये विलेज? मुजफ्फरपुर, बिहार की एक डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरपुर, वहाँ पर वो रहती थी, ठीक है ना। नेक्स्ट है, हु एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडी टू अनीताज पेरेंट्स, अनीता के पेरेंट्स को किसने समझाया इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडी, स्टडी का महत्व, स्टडी की जो इम्पॉर्टेंस है वो किसने समझाया अनीता के पेरेंट्स को? वन ऑफ द टीचर इन विलेज, एक टीचर जो कि उसके गांव में रहती थी, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडी, उन्होंने बताया कि स्टडी कितनी ज़रूरी है, कितनी इम्पॉर्टेंट है टू अनीताज पेरेंट्स, अनीता के पेरेंट्स को ये समझाया, ठीक है ना। वॉट डिड अनीता डू टू कंटिन्यू हर ओन स्टडी, अनीता ने क्या किया अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए? अनीता स्टार्टेड टू टीच यंग चिल्ड्रन टू कंटिन्यू हर ओन स्टडी, अब जब आगे की पढ़ाई करने की बात आई, फिफ्थ के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए उसको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी। अब उन पैसों को कैसे वो कलेक्ट करती? तो उसने वहाँ के छोटे बच्चों को, अपने गांव के छोटे बच्चों को उसने पढ़ाना चालू कर दिया। टीच यंग चिल्ड्रन टू कंटिन्यू हर ओन स्टडी, उसने अपनी पढ़ाई के लिए वहाँ पे छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डिड अनीता डू टू लर्न बी कीपिंग, उसने
जो मधुमक्खी, वो एक्चुअली मधुमक्खियों को पालने लगी थी, तो मधुमक्खियों को पालने के लिए सीखने के लिए उसने क्या किया, कैसे उसने सीखा? तो अनीता ज्वाइंड अ कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न बी कीपिंग। उसने एक कोर्स ज्वाइन किया जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा था, गवर्नमेंट के द्वारा एक कोर्स चलाया जा रहा था मधुमक्खी पालन का, मधुमक्खियों को कैसे पाला जाता है इसका कोर्स करवाया गया। तो वहाँ पर अनीता ने ज्वाइन किया उस कोर्स को जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा था। नेक्स्ट है, व्हेन डू हनी बी ले देयर एग्स। हनी बी ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। हनी बी जो होती है, जो मधुमक्खी होती है, वो अपने अंडे देती है कब? अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम सम इंसेक्ट दैट यू सी नियर फ्लावर्स। आपको कुछ इंसेक्ट्स के नाम लिखना है। नेम सम इंसेक्ट्स मतलब उन कुछ इंसेक्ट्स के नाम लिखना है दैट यू सी नियर फ्लावर्स, जिनको आपने फ्लावर्स के पास देखा है, मतलब फूलों के पास देखा हो। अब ऐसे आपके घरों पर भी फूल लगे होंगे, आपने कहीं देखा होगा कि कितने सारे तरह के जो कीड़े होते हैं वो फूलों के पास जो हैं घूमते रहते हैं। इनमें से कुछ नाम है, नेम ऑफ सम इंसेक्ट दैट वी सी नियर फ्लावर्स आर एज फॉलोज। पहला है हनी बी। हनी बी मतलब मधुमक्खी। मधुमक्खी जो होती है येलो येलो कलर की होती है, उसमें ब्लैक ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं, तो मधुमक्खी। नेक्स्ट है बम्बल बी। बम्बल बी मतलब भौरा, ठीक है ना, भौरे को आपने देखा होगा काले कलर का होता है, तो वो भौरा। नेक्स्ट है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मतलब तितली। तितली को भी आपने देखा होगा कि फूलों के पास अधिकतर देखा होगा आपने तितली को। बीटल। बीटल मतलब बीटल एक भौरे के जैसा दिखने वाला कीड़ा होता है, वो भी काले से कलर का होता है। ये बहुत सारे कीड़ों का ग्रुप होता है, मतलब बीटल में बहुत सारे तरह के कीड़े आते हैं जो कि काले से कलर के होते हैं या बहुत तरह के अलग अलग होते हैं, उनको बीटल बोलते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है लेडी बर्ड। लेडी बर्ड का मतलब होता है लाल रंग का ये कीड़ा होता है, उसके ऊपर जो होते हैं काले काले कलर के धब्बे होते हैं, गोल गोल ऐसे बना होता है सर्कल जैसा, उसको बोलते हैं लेडी बर्ड। नेक्स्ट है मेंटिस। मेंटिस मीन्स टिड्डा। टिड्डा आपने देखा होगा एकदम पतला सा होता है, ये ग्रीन कलर का भी होता है और लकड़ी के जैसा दिखने वाला भी होता है, जो बिल्कुल लकड़ी के कलर का होता है, एकदम पतला सा और पतली पतली पैर होते हैं उसके, तो उस टिड्डे को बोलते हैं मेंटिस। नेक्स्ट है पोलन वास। पोलन वास मतलब ततैया, बरैया, ये सब जो होते हैं इनको हम वास्क बोलते हैं। तो ये इस तरह के कीड़े हमको अधिकतर देखने मिलते हैं, तो आपको भी इनमें से कौन कौन से कीड़े जो हैं फूलों के पास आपने देखा है उनको उनको आप नाम लिखकर हमें बताएंगे। ओके, नेक्स्ट है वाई डू यू थिंक दे कम टू फ्लावर्स। आपको ऐसा क्यों लगता है, वाई डू यू थिंक, आपको ऐसा क्यों लगता है दे कम टू फ्लावर, वो फूलों के पास आते हैं। दे कम टू फ्लावर्स फॉर फॉलोइंग रीज़न। वो फूलों के पास इस रीज़न से आते हैं। पहला है टू सक नेक्टर। किस लिए आते हैं? उनको जो है फूलों से रस चूसना होता है। नेक्टर मतलब नेक्टर फूलों में एक तरह का रस होता है जिसको नेक्टर बोलते हैं। सक मतलब चूसना, तो उनको जो है फूलों से रस चूसना होता है, रस निकालना होता है, नेक्टर निकालना होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ आते हैं। जैसे कि हनी बी जो होती है वो उस नेक्टर को इकट्ठा करती है और अपने लिए शहद बनाती है उस रस से, ठीक है ना, फूलों के रस से वो शहद बनाती है। नेक्स्ट है टू ईट पोलन स्टेमन और पेटल्स ऑफ फ्लावर्स। तो क्या करते हैं कुछ जो कीड़े होते हैं, वो फूलों की पत्तियाँ, उसकी जो शाखाएँ होती हैं उसको काट काट कर खा लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा तो होता होगा कि फूल लगा रहता है और धीरे धीरे उस फूल की काफ़ी सारी पत्तियाँ जो हैं वो अलग होती जाती है, वो कहाँ हो जाती हैं, उनको ऐसा लगता है किसी ने काट लिया होगा ना, किसी ने खा लिया हो। कौन खाता है? वो छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो होते हैं, उन्हें खा लेते हैं। नेक्स्ट है टू ईट अदर इंसेक्ट्स। जो आपने देखा होगा पौधों में कई बार बहुत ही छोटे छोटे से ना पौधों के कीड़े लगे होते हैं, तो ये जो इंसेक्ट होते हैं वो इन छोटे छोटे कीड़ों को खाने के लिए भी उधर पर आते हैं, तो वो क्या करते हैं दूसरे छोटे कीड़ों को खाने के लिए, टू ईट अदर इंसेक्ट्स, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उनको खाने के लिए वो इंसेक्ट जो हैं उस फूल के आसपास आपको दिखाई देते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको दोनों क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता वांट्स टू बिकम अ होलसेलर, व्हाई। मतलब ये है कि जो अनीता है वो बनना चाहती थी एक होलसेलर। होलसेलर मींस जो कि सामान को इकट्ठा करके बड़ी बड़ी कंपनीज या बड़ी बड़ी दुकानों में बेचते हैं, वो होते हैं होलसेलर। जैसे हम दुकानों में जाते हैं तो हम अपने ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा सामान लेते हैं, पर जो दुकानदार होते हैं उनको वही चीज़ ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होती है, तो वो जिनसे सामान लेते हैं वो होलसेलर कहलाते हैं, ठीक है ना। तो होलसेलर जो होते हैं वो एक साथ
बड़ा अमाउंट में सामान बेचते हैं। जैसे एक दुकानदार उनसे अगर 100 किलो शक्कर लेकर आता है तो वो एक्चुअली में होल सेलर से सामान लेकर आता है कि उसको 100 किलो शक्कर चाहिए। हम जब जाते हैं दुकान में तो वो फुटकर दुकान कहलाती है, तो वो दुकानदार हमको 1 किलो शक्कर 2 किलो शक्कर ऐसे तौल तौल कर देता है, ठीक है। तो होल सेलर जो होते हैं वो बड़ी अमाउंट में जो है कुछ भी सामान बेचते हैं। उसी तरीके से अनीता बनना चाहती थी। अनीता वॉन्ट्स टू बिकम अ होल सेलर सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजर्स टू गेट द राइट प्राइस फॉर देयर हनी। वो उन अपने गांव वालों को, विलेजर्स को राइट प्राइस दिलाना चाहती थी, सही मूल्य दिलाना चाहती थी, सही अमाउंट दिलाना चाहती थी। किसके लिए? उनकी हनी के लिए, मतलब हनी मतलब उनके शहद के लिए वो उनको सही मूल्य दिलाना चाहती थी। इसलिए वो क्या बनना चाहती थी? वो होल सेलर बनना चाहती थी, ठीक है ना। तो इसमें, इस स्टोरी में, इस चैप्टर में हमने अनीता के बारे में पढ़ा कि कैसे उसने पढ़ाई करके अपनी लाइफ चेंज करी और अपना खुद का काम स्टार्ट किया, और इवन वो एक होल सेलर बन के अपने गांव वालों की भी हेल्प करती है। और एक और काम करती है वो कि जैसे उसने पढ़ाई की, वैसे ही वो चाहती है कि बाकी लोग भी पढ़ाई करें। तो वो लोगों को ऐसे जा जाकर समय समय पर वो समझाती है कि पढ़ाई कितनी इम्पॉर्टेंट है, है ना। तो वो कितना बढ़िया काम कर रही है, उसने खुद तो एजुकेशन लिया ही, लेकिन वो साथ में उन गांव वालों की हेल्प भी कर रही है और उनको प्रोत्साहित कर रही है कि बाकी सारे लोग भी अपनी पढ़ाई को पूरा करें।